फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए मटका कुल्फी रेसिपी लेकर आई हूँ। ये मटका कुल्फी रेसिपी बनाने में बहुत इजी है, इसे बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। ये मलाई कुल्फी में ना ब्रेड है, ना आटा है, ना कंडेंस मिल्क है, ना शुगर है और ना ही क्रीम है। तो देखें ये मटका कुल्फी किस तरीके से मैंने बनाई है। ये मटका कुल्फी बहुत ही टेस्टी है, आप इसे फालूदा के साथ खाएं या फ्रूट्स डालकर खाएं या मलाई मटका कुल्फी ऐसे ही खा जाएं तो भी ये बहुत अच्छी लगती है। हेलो एवरीवन, आपका मेरे चैनल तीखी रसोई में एक बार फिर से स्वागत है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे चैनल पर आने वाले सभी नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मेरे वीडियोस को लाइक करें, जिससे कि मेरा वीडियो आपकी लाइक लिस्ट में रहेगा और मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर कीजिए। आप हमको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए तो चलते हैं मटका मलाई कुल्फी बनाने के लिए। यहाँ सबसे पहले मैंने आधा कप सेवियाँ ली हैं, फिर ये मेरे पास चार ब्लैक कार्डेमम हैं, इनको पीस के इसका पाउडर बनाना है, और ये मेरे पास स्लाइस्ड आमंड यानी स्लाइस्ड बादाम हैं, ये करीब 2 टेबलस्पून हैं मेरे पास, और ये जैगरी है यानी गुड़ है 1 कप। इसको आप कूट के रखिए या इसे पीस के डालिए या ऐसे भी डाल दीजिए, मेल्ट हो जाएगी। ये मेरे पास 4 कप दूध है और ये रोज़ एक्सट्रैक्ट है करीब 1/2 टीस्पून। यहाँ पैन गरम हो गया है, इसमें मैंने 1 टीस्पून घी डाल दिया है। अब मैं सेवियों को इसमें डालूँगी। इसको डार्क ब्राउन होने तक रोस्ट करना है। ये देखिए अच्छा डार्क ब्राउन हो गया है। अब इसको मिक्सी जार में डाल के पीसना है और एक पाउडर बना लेना है। ये देखिए कितना अच्छा पाउडर बन गया है इनका। अब इसमें मिल्क डालना है, इसको उबालने दीजिए। यहाँ पाउडर डाल रही हूँ मैं, इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। इसको लगातार चलाते रहिए उबाल आने तक। यहाँ मैंने कार्डमम पाउडर डाल दिया है, ब्लैक कार्डमम पाउडर है ये। देखिए अच्छा उबाल आ गया है। अब मैं इसमें जैगरी डाली हूँ। ध्यान रहे जैगरी को हमेशा उबाल आने के बाद ही डालना है, अदरवाइज आपका ये मिल्क फट सकता है। करीब 15 मिनट बाद ये गाढ़ा हो गया है। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और इसको मिक्सी जार में डाल देंगे और एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए अच्छा बैटर बन गया है। अब इसको हम दोबारा से पैन में डाल देंगे और थोड़ा गाढ़ा होने तक हल्की आंच पर पकाएंगे। ये देखिए अच्छा ठीक हो रहा है, ये काफ़ी ठीक हो गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे और रूम टेम्परेचर पर रख देंगे। यहाँ मैं कुछ फॉइल कॉर्न्स बना रही हूँ कुल्फी शेप देने के लिए। ये देखिए दोनों कॉर्न रेडी हो गए हैं और ये हमारा मलाई रूम टेम्परेचर पर आ गई है। ये देखिए कितनी अच्छी गाढ़ी मलाई बनी है। इसमें मैं आमंड्स डाल दे रही हूँ, इसको अच्छे से मिक्स कर देना है, और ये रोज़ एक्सट्रैक्ट डाला है 1/2 टीस्पून, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ मेरे पास 2 मटके हैं छोटे छोटे, ये मलाई को मैं इस मटकों में भर दे रही हूँ। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में, अच्छी गाढ़ी मलाई बनी है। यहाँ मैं फॉइल कॉर्न्स में भी इस मलाई को फिल कर दे रही हूँ। ये देखिए
इसको अच्छे से कवर कर दीजिए। ये कवर हो गया है। दूसरे कॉर्न में भी मैं इस मलाई को फिल कर लेती हूँ। ये देखिए, इसको भी रैप कर देना है। अब इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा आमंड को ड्रेसिंग के लिए डालना है। ये देखिए, यहाँ दोनों रेडी हैं। अब मैं प्लास्टिक रैप से इनको कवर कर दे रही हूँ। अब इनको रेफ्रिजरेटर में करीब 5 से 6 घंटे रख देंगे या ओवरनाइट रख देंगे। इसमें अच्छी कुल्फी बन जाएगी। ये देखिए, रात भर मैंने इनको रख दिया था और ये कुल्फी रेडी है। देखिए कितनी अच्छी कुल्फी बन के दिखाई दे रही है, एकदम बाजार जैसी कुल्फी बन के आई है। अब मैं इनको काट के दिखाती हूँ। देखिए ये कितने इजीली कट रही हैं, अच्छे पीसेस बन रहे हैं। आप इन्हें फालूदा में डाल सकते हैं। आप इसे अपने घर में बनाइए, खाइए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे इस रेसिपी को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर कीजिए और अपने एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।